बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। विंडोज 10 ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में आज हम रिसाइकल बिन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम फाइल्स को डिलीट करना, रिसाइकल बिन से रीस्टोर करना और रिसाइकल बिन को कस्टमाइज करना सीखेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल्स को डिलीट करना सीखते हैं। Windows R run dialog, type the D, colon, enter. Local disk left parent D colon right parent items view multi select D drive open की। अब इसमें से मतलूबा फाइल या फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। F full.txt 18 of 18 full.txt। इस फाइल पर अगर हम डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आरजी तौर पर डिलीट होगी और रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाएगी। डिलीट प्रेस करते हैं। Items view multi select list box not selected windows iso downloader.x 500kb application 8। ये फाइल डिलीट होकर रिसाइकल बिन में चली गई। आपने नोट किया कि यहां पर किसी किस्म का वार्निंग मैसेज नहीं आया कि क्या आप इस फाइल को रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हैं, यस और नो। विंडोज 10 की डिफॉल्ट सेटिंग्स में डिलीट से जो फाइल्स हम आरजी तौर पे डिलीट करते हैं उनके लिए वार्निंग मैसेज नहीं आता। ख्वाह वो फाइल हो या फोल्डर हो, जब आप उस पर डिलीट का बटन प्रेस करेंगे खामोशी से वो रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो फिर शिफ्ट डिलीट यूज करेंगे। अब कोई और फाइल सिलेक्ट करते हैं। इस फोल्डर को अब हम डिलीट करेंगे, शिफ्ट डिलीट प्रेस करते हैं। Shift delete, delete folder dialog. Are you sure you want to permanently delete this folder? Are you sure you want to permanently delete this folder? Protected. Date created colon 8 slash 23 slash 20. Shift delete करने से warning message आया कि क्या आप permanent delete करना चाहते हैं इस folder को। आगे folder का नाम भी announce करके बताया। अगर आप इसे delete करना चाहते हैं तो yes button पर enter कर देंगे, otherwise tab करके no button पर enter करेंगे। Enter press करते हैं। Enter local disk left parent D colon right parent items view multi select list box protected file folder. ये folder permanent delete हो चुका है। अब हम बात करते हैं deleted files को recycle bin से restore करने के हवाले से। Desktop पर move करेंगे, Windows D करते हैं। Windows D folder view list view not selected recycle bin 248 to move to items used. R से रिसाइकल बिन को तलाश कर लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा फोकस पहले ही रिसाइकल बिन पर है। स्पेस बार से इसे सेलेक्ट करेंगे, स्पेस, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर। आइटम्स व्यू मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स नॉट सेलेक्टेड 15 July.wav D colon back slash रिसाइकल बिन ओपन हो जाएगी। ये भी एक फोल्डर होता है, इसमें भी आइटम व्यू है जिसमें डिलीटेड फाइल्स मौजूद होती हैं। एरो कीज के साथ या फाइल नेम के फर्स्ट लेटर को यूज करते हुए आप फाइल्स को तलाश कर सकते हैं। अभी हम उसी फाइल को तलाश करते हैं जिसे हमने डिलीट किया था। F प्रेस करेंगे। F full.txt 3 of 18। अब हम इसे रीस्टोर करते हैं। रीस्टोर करने के लिए मतलूबा फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे। Applications context menu to navigate press up or down arrow R restore E। इसमें पहली ऑप्शन ही रीस्टोर की है, इस पर एंटर कर देंगे। Enter leaving menus recycle bin items view multi select list box full.txt d colon back slash 9 slash 4 slash 20 12 55 am 1 k। अब ये फाइल रीस्टोर हो गई, जिस जगह से इसे डिलीट किया गया था वापस उसी जगह पर चली गई। अगर आप रिसाइकल बिन में मौजूद फाइल्स या फोल्डर्स की लोकेशन देखना चाहते हैं कि इन्हें किस जगह से डिलीट किया गया था, तो फिर आप उनकी प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे। कोई और फाइल सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। Home 15 July.wav 147 15 July, ये एक फाइल है। अगर हम देखना चाहते हैं कि ये कहाँ से डिलीट हुई थी तो इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे। प्रॉपर्टीज ओपन करने के लिए एप्लीकेशन के मेन्यू में प्रॉपर्टीज की ऑप्शन मौजूद है। ऑल्ट एंटर प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पर अकेला एंटर प्रेस करने से भी इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। Enter 15 July properties dialog general page restore button to activate press space bar alt plus r properties open करने पर जो पहला बटन आपको मिलेगा वो भी restore का है, इस पर enter करेंगे तो भी ये restore हो जाएगी। अब हम इसका virtual view लेते हैं, insert alt w करेंगे। Virtualizing current window 15 July properties। अब down arrow से read करेंगे।
General. 15 July. फाइल का नाम type colon wav dash file उसकी टाइप origin colon July origin July. ये जो origin है ये वो जगह है जहां से इसको डिलीट किया गया है, जुलाई वाले फोल्डर से इसे डिलीट किया गया है. अब हमें मालूम होगा कि जुलाई वाला फोल्डर हमारे पास किस लोकेशन पर मौजूद है. size colon 26.1 MB ये इसका साइज है. deleted colon Thursday August 20th 2020 9:50 डिलीट की डेट है. Created colon Wednesday, July 15th, 2020. क्रिएट वाली डेट है. इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि फाइल किस लोकेशन से डिलीट की गई थी. एस्केप कर देंगे. Escape. Restore button. दोबारा एस्केप कर देंगे. Escape. Recycle bin. Items view multi-select list. रिस्टोर करने से फाइल वापस उसी जगह पे जाएगी जहां से डिलीट की गई थी. लेकिन अगर आप फाइल को रिसाइकल बिन से रिस्टोर करना चाहते हैं लेकिन अपनी मतलूबा लोकेशन पर उसे लेके जाना चाहते हैं तो फिर हम रिस्टोर का मेथड यूज नहीं करेंगे बल्कि मतलूबा फाइल को कट करने के बाद न्यू लोकेशन पर पेस्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल किसी और फाइल को सिलेक्ट करते हैं. And not selected news.php 43 of space. इस फाइल को हमने सिलेक्ट कर लिया. कट करेंगे कंट्रोल एक्स. Cut selection to clipboard. अब ओपन करते हैं ई ड्राइव. Windows R run dialog E colon enter local disk left paren E colon right paren items view multis इधर पेस्ट कर देंगे इसे. Pasted from clipboard news.php 44 of 44. इस मेथड को यूज करते हुए रिसाइकल बिन से फाइल को आप किसी भी लोकेशन पर ला सकते हैं. Alt F4 items view list box to move to an item. रिसाइकल बिन से अगर आपने कोई फाइल डिलीट करना हो तो उस पर डिलीट का बटन प्रेस करेंगे. ttt.zip 44 of 46 जैसे ये फाइल है तो इस पर डिलीट प्रेस करते हैं. Delete file dialog. Are you sure you want to permanently delete this file? Yes button to activate. Press spacebar Alt plus Y. Warning message आ गया कि क्या आप इस फाइल को permanently delete करना चाहते हैं? Yes button. Enter कर देंगे. Enter. Recycle bin. Items view. तो अब ये फाइल permanent delete हो गई. अगर आप इन तमाम फाइल्स को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे. बैकस्पेस करते हैं. Desktop items view multi select list box recycle bin 7 of 53. Recycle bin क्लोज हो गई और हमारा फोकस इस वक्त रिसाइकल बिन पर ही है. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिसाइकल बिन को कस्टमाइज करने के हवाले से. प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे रिसाइकल बिन की. ऑल्ट एंटर करते हैं. ऑल्ट एंटर रिसाइकल बिन प्रॉपर्टीज डायलॉग जनरल पेज लिस्ट व्यू लोकल डिस्क लेफ्ट पेरन सी कोलन राइट पेरन 99.9 जीबी 1 ऑफ 3 टू मूव टू आइटम्स यूज द एरो. प्रॉपर्टीज ओपन हो गई हैं और हमारा फोकस फर्स्ट कंट्रोल पर है जिसमें ड्राइव्स मौजूद हैं. पहले लोकल डिस्क सी है. डाउन एरो करेंगे. लोकल डिस्क लेफ्ट पेरन डी कोलन राइट पेरन लोकल डिस्क लेफ्ट पेरन ई कोलन राइट पेरन 190. ये मेरे पास ड्राइव्स मौजूद हैं सी डी और ई. लोकल डिस्क लेफ्ट पेरन सी कोलन राइट पेरन 99.9 जीबी 1 ऑफ 3. सी ड्राइव को हमने सेलेक्ट कर लिया. यहाँ पर इन ड्राइव्स का मतलब ये है कि हर ड्राइव में रिसाइकल बिन होती है लेकिन जो भी फाइल्स हम डिलीट करते हैं ख्वाह वो किसी भी ड्राइव से करें शो मेन रिसाइकल बिन में ही होती हैं ताकि उन्हें इजीली एक्सेस किया जा सके. मेन रिसाइकल बिन के अलावा जो दूसरी ड्राइव्स में रिसाइकल बिन होती हैं वो बाय डिफॉल्ट हिडन होती हैं और इनका नाम डॉलर रिसाइकल डॉट बिन होता है. इस वक्त इस लिस्ट में हमारा फोकस सी ड्राइव पर है तो सी ड्राइव की रिसाइकल बिन से मुतलका ऑप्शंस देखते हैं. टैब प्रेस करेंगे. सेटिंग्स फॉर सिलेक्टेड लोकेशन कस्टम साइज कोलन रेडियो बटन चेक्ड 1 ऑफ 2 टू चेंज द सिलेक्शन प्रेस अप और डाउन एरो ऑल्ट प्लस सी. सेटिंग्स फॉर सिलेक्टेड लोकेशन. इस वक्त हमारे पास सिलेक्टेड लोकेशन सी है तो लिहाजा ये उसकी सेटिंग्स हैं. कस्टम साइज इस कंट्रोल का मतलब है कि हमारी रिसाइकल बिन सी ड्राइव में से कितनी स्पेस यूज करे. जब ये ऑप्शन हमारे पास सिलेक्ट होगी तो एक दफा टैब प्रेस करेंगे. सेटिंग्स फॉर सिलेक्टेड लोकेशन मैक्सिमम साइज लेफ्ट पेरन एमबी राइट पेरन कोलन एडिट 7165 टाइप एंड टेक्स्ट ऑल्ट प्लस ए. मैक्सिमम साइज एडिट कॉम्बल है. यहाँ पर 7165 मेरे पास इस वक्त शो हो रहा है. बाय डिफॉल्ट ये साइज डिस्क वॉल्यूम की यूजेबल स्पेस का तकरीबन 5% होता है.
मेरे पास इस वक्त जो सी ड्राइव के लिए रिसाइकल बिन का साइज शो हो रहा है वो तकरीबन 7 GB है। अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो फिर यहाँ पर नई वैल्यू लिखेंगे जो कि MB में होगी। यहाँ पर अब हम 10,000 लिखते हैं। 1000 10,000 MB। इसका मतलब है कि अब हमारी रिसाइकल बिन की स्पेस 10 GB हो जाएगी। टैप करेंगे। Display delete confirmation dialog checkbox not checked. To check press space bar Alt plus D. Display delete confirmation dialog. ये चेकबॉक्स बाई डिफॉल्ट नॉट चेक होता है, इसीलिए जब हम डिलीट का बटन प्रेस करके किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो हमें वार्निंग मैसेज नहीं मिलता। अगर हम वार्निंग मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो फिर इस चेकबॉक्स को चेक करेंगे, स्पेस बार प्रेस करते हैं। Space checked. अब जब भी डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वार्निंग मैसेज मिलेगा कि क्या आप इस फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिन में सेंड करना चाहते हैं या नहीं। इस चेकबॉक्स को चेक कर लेना इसलिए बेहतर है कि गलती से आप से अगर डिलीट का बटन प्रेस हो जाए तो आपको अलर्ट वार्निंग मिल जाएगी, जिसे आप नो करके अपनी फाइल को डिलीट होने से बचा सकते हैं। टैब करेंगे। ओके बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार। ओके बटन है, इस पर एंटर करने से ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। अप्लाई बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार Alt plus A. अप्लाई बटन। General tab to switch pages, press control page down. Next, अब हम बात करेंगे रिसाइकल बिन को स्किप करने के हवाले से, यानी अगर आप चाहते हैं कि फाइल्स या फोल्डर्स जिन्हें आप डिलीट की से डिलीट करें वो भी रिसाइकल बिन में ना आए। टैब करते हैं यहाँ से। List view, local disk left parent C colon right parent, settings for selected location custom size colon radio button checked 1 of 2 to change the सेटिंग फॉर सिलेक्टेड लोकेशन में कस्टम साइज रेडियो बटन पर जब आप आएंगे यहां से एक दफा डाउन एरो प्रेस करेंगे। सेटिंग्स फॉर सिलेक्टेड लोकेशन डोंट मूव फाइल्स टू द रिसाइकल बिन रिमूव फाइल्स इमीडिएटली व्हेन डिलीटेड रेडियो बटन चेक 2 of 2 टच डोंट मूव फाइल्स टू द रिसाइकल बिन। ये ऑप्शन अगर हम सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे तो फिर जिस फाइल या फोल्डर को हम सिंपल डिलीट वाला बटन प्रेस करके भी डिलीट करेंगे वो भी परमानेंट डिलीट हो जाएगी। इस ऑप्शन को यूज़ करना रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि काम करने के दौरान बाज़ औक़ात हम अपनी इम्पोर्टेंट फाइल्स को भी डिलीट कर बैठते हैं। Settings for selected location, custom size, colon, radio button checked, 1 of 2. दोबारा कस्टम साइज को सिलेक्ट कर लिया। अब हम इन सेटिंग्स को अप्लाई करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। Enter. Desktop items view list box recycle bin 1 of 18. To move to an item press the arrow keys. Items view multi-select. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिसाइकल बिन को एम्प्टी करने के हवाले से। अगर हम रिसाइकल बिन में मौजूद तमाम फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं तो हम इन्हें रिसाइकल बिन को एम्प्टी करके भी डिलीट कर सकते हैं। इसका तरीका ये होगा कि डेस्कटॉप पर रिसाइकल बिन पर रहते हुए एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे, जैसा कि अभी हमारा फोकस रिसाइकल बिन पर है। रिसाइकल बिन 7 of 53. एप्लीकेशन प्रेस करते हैं। Applications, context menu to navigate, press up or down arrow, O, open, O. अब B for ball प्रेस कर देंगे या फिर down arrow से empty वाली ऑप्शन पर जाकर एंटर करेंगे। B प्रेस करते हैं। B, leaving menus, desktop, items view, multi-select list box, recycle bin, 7 of 17. To move to an item, press the arrow keys, delete multiple items dialog. Are you sure you want to permanently delete these 45 items? Yes button to activate. वार्निंग मैसेज आ जाएगा कि क्या आप इन तमाम आइटम्स को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। यस और नो, यस करेंगे तो ये डिलीट होकर रिसाइकल बिन एम्प्टी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हम इसे नो कर रहे हैं। नो बटन टू एक्टिवेट प्रेस एंटर डेस्कटॉप आइटम्स व्यू मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स रिसाइकल बिन। अगर आप रिसाइकल बिन को एम्प्टी ना करें और इसमें फाइल्स जमा होती रहें तो जब इसका साइज फुल होगा तो ऑटोमेटिकली ओल्ड फाइल्स डिलीट होकर न्यू फाइल्स के लिए जगह बन जाती है। ये तो था मैनुअल तरीका, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यही काम ऑटोमेटिकली होता रहे मखसूस दिनों के बाद तो फिर हमें विंडोज़ की सेटिंग्स में जाना होगा। विंडोज़ आई प्रेस करेंगे। विंडोज़ आई सेटिंग्स सर्च बॉक्स फाइंड द सेटिंग एडिट टाइप एंड टेक्स्ट सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। एक दफा टैब करेंगे। लिस्ट बॉक्स सिस्टम 1 ऑफ 14 डिस्प्ले साउंड नोटिफिकेशन पहली ऑप्शन ही सिस्टम की मिलेगी, इस पर एंटर कर देंगे। एंटर सर्च बॉक्स फाइंड द सेटिंग एडिट टाइप एंड टेक्स्ट दोबारा एक दफा टैब करेंगे। सिस्टम लिस्ट बॉक्स सिलेक्टेड डिस्प्ले 1 ऑफ 14 टू मूव टू
लिस्ट बॉक्स में फोकस हो जाएगा। यहां से आपने स्टोरेज की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, डाउन एरो करेंगे। साउंड नोटिफिकेशंस एंड फोकस असिस्ट पावर एंड स्लीप बैटरी स्टोरेज, इस पर एंटर करेंगे। एंटर स्टोरेज, एक दफा टैब प्रेस करेंगे। स्टोरेज, स्टोरेज सेंस कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस बाय गेटिंग रिड ऑफ फाइल्स यू डोंट नीड लाइक टेंपरेरी फाइल्स एंड कंटेंट इन योर रिसाइकल बिन। दैट बटन ऑफ टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार। ऑटोमेटिकली गेट रिड ऑफ टेंपरेरी फाइल्स एज वेल एज रिसाइकल बिन कंटेंट, ये बटन बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा। स्पेस बार प्रेस करके इसे ऑन करेंगे। स्पेस ऑन, टैब करेंगे एक दफा। कॉन्फिगर स्टोरेज सेंसर रन इट नाउ लिंक, कॉन्फिगर स्टोरेज सेंस रन इट नाउ लिंक, इस पर एंटर करेंगे। एंटर, कॉन्फिगर स्टोरेज सेंसर रन इट नाउ होम बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार। होम बटन आ जाएगा, टैब करेंगे एक दफा। Storage sense. Storage sense runs automatically when you're low on disk space. We cleaned up 0 bytes of space in the past month. Dot button on to activate press space. पहले ये temporary files को remove करने की options हैं, यानी ये storage कब काम करे, जब low disk space हो जाए। Tab करेंगे। Storage sense. Storage sense runs automatically when you're low on disk space. We cleaned up 0 bytes of space in the past month. But इन options को आप change नहीं करेंगे। टैब करते हैं। Temporary files. Delete temporary files that my apps aren't using. Checkbox checked. A clear checkmark. Press space bar. फिर टैब करेंगे। Delete files in my recycle bin if they have been there for over combo box 30 days. To change the selection, use the arrow keys. Delete files from recycle bin. यहाँ पर by default 30 days select हैं। यानी अगर हम recycle bin से files को delete ना करें, तो after 30 days वो automatically delete हो जाएंगी। अगर आप इसे कम करना चाहें, तो आप पैरो करेंगे 14 days. 14 days, ये कम से कम दिनों की तादाद है। 30 days, 60 days. और डाउन एरो से मैक्सिमम नंबर 60 days का है। 30 days. दोबारा 30 days कर दिया, टैब करेंगे अब। Delete files in my downloads folder if they have been there for over combo box never to change the select. डाउनलोड फोल्डर से फाइल डिलीट करें नेवर, ये कुछ मजीद ऑप्शंस हैं। फिलहाल हम इन्हें अप्लाई नहीं करेंगे। रिसाइकल बिन के लिए हमने डेज का तयन करने के बारे में सीख लिया। अब इसे क्लोज करते हैं, ऑल्ट एफ 4 कर देंगे। ऑल्ट एफ 4 डेस्कटॉप आइटम्स व्यू मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स रिसाइकल बिन 7 ऑफ। इसके साथ ही ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। इसमें हमने सीखा कि फाइल्स को टेंपरेरीली कैसे डिलीट करना है, परमानेंटली कैसे डिलीट करना है, और रिसाइकल बिन को किस तरह से कस्टमाइज करना है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मजीद रहनुमाई दरकार हो तो रابطہ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।